अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेटा ठीक होंगे। और आप लोगों ने जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था शील्डिंग इफेक्ट, उसको ज़रूर घर में आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, उसको पढ़ा होगा, और जो डेफिनेशन मार्क करवाई थी मैंने वो आप लोगों ने याद की होंगी। अगर बेटा कल के टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो अभी हमारे पास जो स्टार्ट में जो कुछ टाइम है, एक दो मिनट हैं जब तक बाकी बच्चे इंटर हो रहे हैं, अगर आपका बेटा प्रीवियस टॉपिक में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो आप लोग पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। चैट में देखिएगा सर कोई क्वेश्चन आता है तो। रिकॉर्डिंग भी ऑन कीजिएगा सर जी। बेटा अभी तक तो किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन क्योंकि हमारे जो मैंने पहले कहा था बेटा, हम एटॉमिक साइज को टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जब, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स और उनकी रीजंस अगर आपको आती होंगी तो फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होंगे, शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके जो रीजन है, इनके जो ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक साइज पर। तो हम थोड़ा सा पहले फर्स्ट फ्यू मिनट्स में प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ बच्चों को उसमें कंफ्यूजन है भी सही, वो पूछने में हेजिटेशन फील कर रहे हैं, तो हम उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लें, फिर हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और हमें आज के टॉपिक में फिर ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स डिस्कस करना आसान हो जाएगा। तो बेटा नाइन्थ केमिस्ट्री और पेज आप लोगों के पास ओपन होगा बेटे, जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे पेज 53 पर। बेटे पेज 53 पर हमारा आज का टॉपिक होगा, और टॉपिक हम डिस्कस क्या करेंगे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या लिखना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक को। लास्ट का क्लास के एंड में एक बच्चे ने कहा भी था कि सर रिवाइज करा दें, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो एक बार शायद वो बच्चा लेट था, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोबारा समझा दें एंड टेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। जी बेटा चैप्टर 1 एंड 2 देखें, जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, बेटा जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं साथ में बताता हूं कि इस टॉपिक में से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बन सकता है या नहीं बन सकता, या पिछले लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर्स में कोई टॉपिक अगर रिपीट होता रहता है तो मैं बताता हूँ कि ये पिछले साल पेपर में आया है या उससे पिछले साल। तो आप लोग एक तो टाइम पे इंटर हुआ करें, क्योंकि ये बात मैं स्टार्ट में बता देता हूँ कि बेटा ये टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक प्रीवियस चैप्टर्स में पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रिपीट हो चुका है, तो अगर आप लेट इंटर होंगे तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा कि ये इंपॉर्टेंट है या पेपर में रिपीट होता है या नहीं होता। तो एक तो बेटा टाइम पे इन हुआ करें, और किसी बच्चे का क्वेश्चन है सर सर डेफिनेशन मार्क करवा दें, जी बेटा मैं डेफिनेशन मार्क करवा देता हूँ, कैन यू एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगेन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेशन मार्क करवा दें। जी बेटा मैंने आपके ये क्वेश्चन पढ़ लिए, आप एक ही क्वेश्चन बार बार सेंड कर रहे हैं, मैं बताता हूँ डेफिनेशन बेटा मार्क करवाई भी थी कल, मैं दोबारा लिखवाई थी बेटा, मैंने कहा था कि जो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है वो बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई, मैंने कहा था बेटा सबसे पहले वो डेफिनेशन लिखें। जी बेटा मैंने पढ़ दिया है इफेक्ट, जी सर पढ़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो डेफिनेशन थी वो बेटा मैंने मार्क करवाई थी, वो मैं दोबारा भी मार्क करवा देता हूँ। और एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो उनका ट्रेंड को दोबारा बता दें, जी बेटा वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें बेटा सबसे पहले हम जरा एटॉमिक साइज के ट्रेंड को रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। बेटा ग्रुप में पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, मैं इनका न्यूक्लियस नहीं बना रहा, न्यूक्लियस की जगह पर मैं सिर्फ उनका सिंबल लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है एलिमेंट लिथियम, और उसके पास दो शेल हैं बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है बेटे 3। लिथियम के बाद ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है बेटे दैट इज सोडियम, और उसका एटॉमिक नंबर है बेटा 11, और इसके पास कितने बेटा एटॉमिक, इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद पोटाशियम, और पोटाशियम के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कितने हैं बेटा, एटॉमिक नंबर इसका है 19, और शेल कितने हैं इसके पास बेटा,
नंबर ऑफ शेल्स जिसके पास हैं 4, इसी तरह से जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं उनके पास 5 शेल्स, 6 शेल्स और लास्ट में जो है फ्रांशियम उसके पास 7 शेल्स होंगे। अब बेटा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड वीक होता जा रहा है। ये न्यूक्लियस जो बेटा सेंटर में मौजूद है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेटा ये मैं हम ग्रुप में ट्रेंड देख रहे हैं बेटा, किसका ग्रुप में, एटॉमिक साइज का ट्रेंड देख रहे हैं ग्रुप में। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो एटम का साइज वो होता है जहां पर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो साइज स्मॉल होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से तो फिर हम कहते हैं कि उसका साइज भी लार्ज होगा। देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है तो साइज स्मॉल, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो साइज कंपैरेटिवली लार्ज है इसका। अब बेटा चूंकि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन शेल ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर देखें दरमियान में एक शेल था, यहाँ पे दो शेल आ गए, यहाँ पे तीन शेल आ गए। तो जब ये शेल्स ऐड होते जाएंगे, जब ये शेल्स बेटा ऐड होते जाएंगे तो न्यूक्लियस जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है बेटा, उसके दरमियान अब क्या आ गई है, शील्ड आ गई है, रुकावट आ गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा बहुत आजाद हो जाएगा, इस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी बिकॉज ऑफ इनर शेल्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन, तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो याद रखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, टॉप टू bottom in a group, when we move from top to bottom in a group atomic size increases, atomic size increases because of addition of shells and एडिशन ऑफ शेल। बेटा जितने शेल ज्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो कल का जो शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक था उसमें यही बात बनेगी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ शेल, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब बेटा हम पीरियड की बात कर लेते हैं, इसी इस थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर 11 है और उसके बाद मैग्नीशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर बेटे क्या है, 12 है, एटॉमिक नंबर 12 ये इसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल में। सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम और उसका एटॉमिक नंबर 12 है। अब इसके बेटा नंबर ऑफ शेल, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान सिर्फ दो शेल्स हैं और यहाँ पर भी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जस्ट टू शेल्स हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट दोनों में क्या है बेटा, इक्वल है, दोनों एटम्स में शील्डिंग इफेक्ट इक्वल है। लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा उस पर ये 11 पावर वाला न्यूक्लियस भी उसको अट्रैक्ट करना चाहता है, ये 12 न्यूक्लियर चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है वो भी वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब चूंकि 12 न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और शेल तो सेम है, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, तो ये न्यूक्लियस जो होगा बेटे दैट इज मोर पावरफुल एंड इट विल मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से साइज थोड़ा सा अब श्रिंक हो जाएगा, ये न्यूक्लियस थोड़ा, ये वैलेंस शेल न्यूक्लियस के थोड़ा करीब आ जाएगा। तो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं बेटा तो साइज क्या होता है बेटे, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है बेटे, डिक्रीज करता है। साइज क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब बेटा हम इसी याद रखें बेटा, पीरियड में साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बेटा हम आते हैं, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ी सी वेरिएशन थी, हमने कहा था बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ी सी वेरिएशन आती है,
तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अब बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए। ये एटॉमिक साइज की बात हम उसकी बात कर रहे हैं जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, साइज डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन बेटा वो बुक में कहता है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज स्टार्ट में डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन आखिर में जो कुछ दो एलिमेंट है तीन एलिमेंट उनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा ये एक्सेप्शनल केस है, ट्रेंड से थोड़ा सा हट के बात है। और उसकी रीजन बेटा क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके डी सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन है, डी में फिर थ्री है, डी में यहाँ पर फोर है, डी में यहाँ पर फाइव है। तो सपोज बेटा हम मैं ये कहता हूँ ये न्यूक्लियस है बेटे और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंस से एक पहले वाला है। तो अगर यहाँ पर बेटे आठ नौ इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं यहाँ पर जब आठ नौ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अब बेटा काफी क्राउडिंग हो जाती है, लास्ट शेल से एक शेल पहले वाले शेल में क्राउडिंग इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाती है। तो अब न्यूक्लियस इसको न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन क्राउडिंग की वजह से फिर आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी नहीं जाती, फिर आखिरी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री हो जाता है और वो थोड़ा दूर मूव कर जाता है, उस पर न्यूक्लियस का होल्ड थोड़ा वीक हो जाता है। तो एंड में जाके साइज थोड़ा सा इंक्रीज करने लग जाता है, उसकी ये रीजन थी। इसके बाद क्वेश्चन था बेटा जो सिलेबस आप पूछ रहे हैं टी वन का, वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा बेटे। सिलेबस आप लोगों को जिस तरह से ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं तो जो भी सिलेबस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी कुछ टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो वो पूछिए। अब बेटा एक और बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को दोबारा बता दें। देखिए बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छोड़ दें बुक में क्या लिखा हुआ है, जरा माइंड में खुद जरा सोचिए इफेक्टिव का क्या मतलब है जो किसी पे असर कर रहा हो। न्यूक्लियर चार्ज, अब एक एटम है उसके एक शेल दो शेल तीन शेल हैं, ये न्यूक्लियस बेटे मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये पहला शेल है बेटा, ये दूसरा सपोज, ये तीसरा और ये आखिरी वैलेंस शेल। अब बेटा जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और एक लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? डेफिनेटली जो उसके करीब है, क्योंकि वो उसके करीब है तो उस पर न्यूक्लियस का असर ज्यादा होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करना चाह रहा है, इसको भी अपनी तरफ उसी पावर से अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन दरमियान वाले जो शेल हैं उनकी वजह से वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो गया है। तो अब इस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो असल वाली से जो ये फील कर रहा है इसकी निस्बत वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज विच विल इफेक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो इस बेटा इस न्यूक्लियर चार्ज को जो वैलेंस शेल एक्सपीरियंस करेगा इसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन बेटा मैंने आप लोगों को कल मार्क करवाई थी, शायद जो बच्चा लेट आया था उसने पूछा है तो मैं बता देता हूँ बेटे। अगर आप लोगों के सामने बुक है बेटा तो ये शील्डिंग इफेक्ट वाला पैराग्राफ है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बेटे देख लें, ये शील्डिंग इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटे हेडिंग, और शील्डिंग इफेक्ट की बेटा ये जो सेकेंड लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, ये सेकेंड लाइन का सॉरी शील्डिंग इफेक्ट, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने लिखवाई थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखी तो वो दूसरे बच्चों से, मैंने कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा कि अगर आप अभी नोट करना मुश्किल है क्योंकि मैं आगे समझा रहा हूँ, अब नोट करने में बैठ जाएंगे तो काफी टाइम इसमें लग जाएगा, तो मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में लिख लीजिएगा। तो अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप उनसे कह दें कि वो आपके साथ वो डेफिनेशन शेयर कर देंगे। अब बेटा ये सेकंड लास्ट लाइन से मैंने कहा था बेटा इसका शील्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन है, मैं इसको रीड कर देता हूँ, पेज नंबर 52, शील्डिंग इफेक्ट सेकंड लाइन, द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज
देन द एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. यहां तक बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन को लिखेंगे. वी आर क्लियर फ्रॉम ऑल प्रीवियस लेक्चर्स बेटा? बताएं बेटा, शुड वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर? कोई कंफ्यूजन है पिछले टॉपिक में अभी भी तो बेटा पूछ लें, ताकि हम जब नेक्स्ट मूव करें तुम्हारे पिछले सारे टॉपिक सब बच्चों को क्लियरली उनकी समझ आ चुकी हो. सर डेफिनेशन मार्क करवा दिए. ठीक है बेटा, मैंने डेफिनेशन अभी मार्क करवा दी है. चलें नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहली टू लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मार्क कर लें बेटा. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर आई राइट अ नोट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट एक बार फिर बता दें. देखिए बेटा, जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन पूछा शील्डिंग इफेक्ट, देखिए बेटा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन दरमियान वाले शेल्स शील्ड क्रिएट कर रहे हैं. वर्ड शील्ड का मतलब होता है ढाल. जिस तरह से तीर अंदाज, पुराने जमाने में तीर अंदाज लड़ते थे तो उनके पास एक शील्ड होती थी ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाले तीर को वो रोक सकें. तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आती है उसको ये इनर इलेक्ट्रॉन स्टॉप करते हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन रोकते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को. तो बेटा ये जो अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो रिड्यूस हो रही है बेटा, इसे क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बेटा आप नोट से भी बेशक कर सकते हैं. ये क्या होता है बेटा? डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा? डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. शॉर्ट क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर लिख लें, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है. तो अगर बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो बुक की फर्स्ट टू लाइंस है बेटा मैं रीड कर देता हूं बेटा. यहां से लिखा हुआ है द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक डेफिनेशन मार्क करेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल देंगे. ये दो लाइनें डेफिनेशन की बेटा और साथ में एग्जाम्पल देंगे. कब? अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इसको डेफिनेशन को बेटा एक्सप्लेन करते हैं. देखें बेटा मैं रीड कर देता हूं. आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या बेटा? आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस का आयन बनाना, कोई एटम है उसका आयन बनाना. अब आयन कैसे बनता है आप पढ़ चुके हैं, एक होता है कैट आयन और एक होता है एन आयन. यानी कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो कैट आयन बन जाता है, अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो एन आयन बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है. तो अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? खुद ही वो पड़ा होगा और वहां से किसी, ये एक एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह रहे हैं इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहां से. अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो ये बन जाएगा कोई भी एटम है. सपोज मैं ए लिख देता हूं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक नेगेटिव चार्ज निकल गया है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? यही बेटा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब हम इसको एनर्जी देंगे. ये इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब हम इसको एनर्जी देंगे. तो डेफिनेशन देखें बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. अभी हमने बेटा क्या कहा कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड क्या है? कम है.
क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट कर रहा है वो क्या हो चुका है बेटे, कम हो चुका है। ये न्यूक्लियस सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड वीक है। तो जिस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन पर तो न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, न्यूक्लियस इनको काफी स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, इनको तो हम निकाल नहीं सकते, या इनको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन जो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकाल सकते हैं। ये ऐसे समझ लें कि एक क्लास रूम में फर्स्ट रो वाले बच्चा क्लास से उसका भाग कर बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन जो बच्चा दरवाजे के साथ बैठा होता है आखिरी रो में तो वो आसानी से एस्केप कर सकता है। जैसे टीचर ने इधर मूव किया वो बच्चा पीछे से निकल जाएगा। इट मीन्स जिस बच्चे पर टीचर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है उसका क्लास से निकलना आसान है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जिस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड वीक है हम कहेंगे ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए बेटा जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की बात कर लेते हैं बेटा, सोडियम है पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें बेटा मैग्नीशियम की तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो बेटा इस वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लूजली बाउंड है इसको निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है बेटा, सोडियम का एक एटम अकेला तो नहीं पाया जाता ना, ये कंपाउंड के फॉर्म में होगा, NaCl की फॉर्म में होगा या Na2SO4 की फॉर्म में होगा, अकेला सोडियम का एटम तो मिलना मुश्किल है। तो अगर हम एक एटम को बिल्कुल अलग कर लें तो फिर उस एक अलग एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और ये एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ये पेपर में MCQ भी आता है बेटे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 496 किलो जूल पर मोल। तो ये यहाँ तक शॉर्ट का आंसर लिखेंगे। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो यही डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर एक हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ठीक है बेटा। अभी जो बच्चा रिसेंटली भी इंटर हुआ है तो मैं दोबारा उसके लिए बता देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 3, पेज नंबर हमारा है 53 और आयोनाइजेशन एनर्जी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा है एक एनर्जी है जो चाहिए हमें, क्यों चाहिए, किसी भी एटम का आयन बनाने के लिए, किसी भी एटम का आयन बनाने के लिए। तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है जो निकालना आसान है, जिस पर न्यूक्लियस का होल्ड वीक है, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा हम उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसकी एग्जांपल है कि जो सोडियम का आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसकी इसको निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब बेटा मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आखिरी शेल में, पहले हम एक एनर्जी देंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब चूंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है अब बाकी इलेक्ट्रॉन को जो है मैग्नीशियम मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी निकल जाएगा। तो हेडिंग बनाएंगे बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि ग्रुप वन के सारे एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लिथियम के भी एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो दूसरे इलेक्ट्रॉन, अब मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन बनेगा, मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक बच चुका होगा तो इस दूसरे को भी यहां से निकालने के लिए
मैग्नीशियम टू पॉजिटिव के लिए फिर हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखें इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऐसे पागल है इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो ये जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हम ये रिमूव कर देते हैं इसको एनर्जी देकर, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल हो जाता है। तो जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों फिर उनका इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हम। तो ये हेडिंग आएगी बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, और उसमें चाहें तो बेशक यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद बेटा है ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे, हेडिंग आप लोग कहाँ पर बनाएंगे। स्टार्ट में तो बेटा आपने हेडिंग बनाई, बुक के स्टार्ट में हेडिंग बनाई बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद एक लिखी एग्जाम्पल, और जहां पे लिखा हुआ है इफ देयर इज, ये देखें फर्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन के स्टार्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ लाइन स्टार्ट में इफ देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया है कि ये गैसियस आइसोलेटेड एटम क्यों कहेंगे, कि ये जो सोडियम का बेटा अकेला आपको नेचर में एक सोडियम मिलेगा कोई, ये तो बहुत रिएक्टिव है, अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव है, ये तो NaCl की फॉर्म में मिलेगा आपको, Na2SO4 की फॉर्म में मिलेगा, और इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो यहाँ तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना करना बहुत मुश्किल है। तो हम सपोज करेंगे इसको अलग करें, पहले इसको अलग करें और इसको गैसियस फॉर्म में लेकर आए, फिर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फिर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, गैसियस एटम प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। बेटा सेकंड जो पैराग्राफ है इसको आप लोग खुद रीड कर लेंगे, सेकंड पैराग्राफ को खुद रीड कर लेंगे, जिसमें जो भी पूछना पूछे। नेक्स्ट पैराग्राफ इफ वो मूव जहां लिखा हुआ है इसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड हम क्या बेटा, अभी हमने रिवाइज इसीलिए किया था कि जब हम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज एटॉमिक साइज क्या होता है बेटे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। पहले साइज लार्ज था, साइज क्या होता जाएगा बेटे, स्मॉल होता जाएगा। अगर बेटे साइज लार्ज है इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, और जब साइज स्मॉल है तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसको निकालना होगा मुश्किल, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसको निकालना आसान होगा। क्यों बेटा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है, उस नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस की बहुत स्ट्रेंथ में है, न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होके पड़ा हुआ है, उसको निकालना मुश्किल होगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, याद रखेंगे बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज बेटा क्या होगा डिक्रीज होगा, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, कि जिसका साइज स्मॉल होगा उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इट मीन उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो जिसका साइज स्मॉल उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और जिसका साइज लार्ज उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। साइज लार्ज है सर, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है बेटा, आप लोगों की कंसंट्रेशन कहां पर है, मैं ये आइसोलेटेड गैसियस एटम 3 मरतबा बता चुका हूं। आइसोलेटेड का मतलब अलग, गैसियस का मतलब इन गैसियस स्टेट। अब एक सोडियम की हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं तो अकेला सोडियम हमें कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा नेचर में, कभी भी अकेला सोडियम आपको नहीं मिलेगा, इट विल बी प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स,
तो हम इसको अलग करेंगे, पहले गैसियस स्टेट में लेकर आएंगे, फिर ही इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसकी तब हम सपोज करते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी वही होगी कि इसका इलेक्ट्रॉन तभी निकालेंगे जब ये अलग होगा, बिल्कुल आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड का मतलब अलग, गैसियस का मतलब गैसियस स्टेट में। अब तो ये सर अदर को भी समझ आ गई होगी कि आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इसकी बात समझ आ गई बेटा, ट्रेंड इन पीरियड की समझ आ गई कि साइज लार्ज, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, निकालना उसको आसान, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। साइज स्मॉल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब, उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग, तो उसको निकालना मुश्किल। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस, जी बेटा वो तो हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जितने दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। देखिए बेटा, जो मैंने हेडिंग आपसे कही बनाए, ट्रेंड इन पीरियड रीड कर रहा हूँ बेटे, इसको फॉलो करेंगे साथ। If we move from left to right in a period, the value of ionization energy increases. Ionization energy increases. Why? It is because the size of atom reduces and valence electrons are held strongly by electrostatic force of nucleus. Therefore, elements of left side of the periodic table have low ionization energies as compared to those on the right side. जितने right पे move करते जाएंगे, ionization energy increase होती जाएगी because of shortage in atomic size. नीचे वाला paragraph के ऊपर heading बनाएं बेटा, trend in groups. नीचे वाले paragraph electron affinity वाले heading के ऊपर बेटा heading बनाएं, trend in groups. आप बेटा याद रखिए, हमने ग्रुप में अभी क्या डिस्कस किया था, एटॉमिक साइज क्या होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो एटम का साइज क्या होता जाएगा बेटे, इंक्रीज होता जाएगा। अब यहां पर देखें बेटा, जो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, जब साइज स्मॉल है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, उसको निकालना मुश्किल है। अगर हम यहां पर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस किससे दूर चला गया है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम है। So when we move from top to bottom in a group, size of atom increases and ionization energy decreases. Ionization energy क्या होती है बेटे, decrease होती है। तो मैं ये last paragraph read कर देता हूँ बेटे। As we move from top to bottom in the group, more and more shells lie between. Lie मतलब present होते हैं। More and more shell lie between the valence shell and the nucleus. कि nucleus और valence shell के दरमियान बहुत से shells add up होते जाते हैं बेटा, बहुत से shells add up होते जाते हैं. These additional shells reduce the electrostatic force felt by electron present in outermost shell. It means वो shielding effect, कि inner electron, inner जो shell हैं वो आखिरी शेल तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जाने नहीं देते। Resultantly, जिसका result क्या निकलता है, the valence shell electrons can be taken away easily. जब electron nucleus से दूर हो जाएगा तो that can be taken away easily. इसको आसानी से remove कराया जा सकता है. Therefore, ionization energy of elements decreases from top to bottom in a group. Ionization energy decreases when we move from top to bottom in a group. तो याद रखेंगे बेटा, second line में क्या लिखा है आपने, ये बेटा इधर ये book की definition लिखी हुई है बेटा, ये book में आपको definition first two lines मिलेगी as it is. तो बेटा मैं बता देता हूँ, लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं, लेक्चर हमारा एंड होने वाला है। याद रखेंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है।
जिन एटम का साइज स्मॉल होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जिन एटम का साइज लार्ज होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होती है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। इस चैप्टर इस टॉपिक में बेटा हमने देखे बेटा हेडिंग मैंने बनवा दी है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं? डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, सर साइड पर हो जाए। हमने बेटा इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर डेफिनेशन आती है साथ में एग्जांपल जरूर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ लेता है तो उसमें आप यही एग्जांपल फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। अगर समटाइम्स बेटा ट्रेंड भी पूछ लेता है कि व्हाट इज ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स, तो आप बता देंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर ट्रेंड इन पीरियड पूछ लेता है तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज रिड्यूसेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जी बेटा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ ले, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा वो बता दे बेटा, नो क्वेश्चन। ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ये बेटा ट्रायंगल, ये जो बेटा बनाई हुई है इसका डेल्टा एच का मतलब बेटा चेंज इन एनर्जी। इस ट्रायंगल को जब केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं ना बेटा, इस तरह से हम रिएक्शन के ऊपर अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हीट, कि हम रिएक्शन को हीट कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से कोई देखते हैं डेल्टा एच, इसका मतलब है चेंज इन हीट। और यहां पे अगर प्लस साइन होगा इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक, प्लस साइन होगा तो इट मींस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिक्वायर्ड है। और अगर हीट रिलीज होगी तो वहां पर नेगेटिव साइन होगा बेटे। तो डेल्टा एच का मतलब है ये, इसे डेल्टा यहां पे पढ़ेंगे और ये इसका मतलब है चेंज। नो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों क्लास लीव कर एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।